साउथ की ऐसी 5 फिल्में हैं जो रूटीन लव स्टोरी फिल्मों से काफ़ी अलग और मैच्योर है, जो कि हमें प्योर एंड अनकंडीशनल लव क्या होता है ये सिखाती है। तो स्वागत है हमारे चैनल अनसीन जेम में, तो चलिए देखते हैं। पाँचवें नंबर पर है दिया। काफ़ी सारे लोगों ने इस कन्नड़ा फिल्म को देखा होगा। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिराकल्स, इस बात को ये फिल्म दिखाती है एक लव ट्रायंगल के रूप में। ये एक साधारण रोमकॉम फिल्म नहीं है जो कि आपको हंसाए इमोशनल कराए, ये एक एक्सपीरियंस है जो कि आप अमेजन प्राइम वीडियोस पर ले सकते हैं। एक और इस फिल्म की खास बात है कि ये रोमांटिक फिल्म होते हुए भी इसमें एक भी सॉन्ग नहीं है, फिर भी आप इस फिल्म के साथ आखिर तक जुड़ेंगे, ये मेरा वादा है। चौथे नंबर पर है एक और कन्नड़ा फिल्म लव मॉकटेल। पहले आपको ये फिल्म साधारण रोमकॉम लग सकती है, लेकिन कैसे कोई इतना अनकंडीशनली क्यूट प्यार कर सकता है ये आपको अगर जानना है तो ये फिल्म देखिए। सेकेंड हाफ से आपको इस फिल्म का मैजिक समझ में आएगा। ये फिल्म लास्ट में काफ़ी इमोशनल है, हम लीड कैरेक्टर के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं एंड में। इट्स अवेलेबल ऑन अमेजन प्राइम। तीसरे नंबर पर है ओके कडल कनमानी। अगर आपने बॉलीवुड फिल्म ओके जानू देखी है और आपको पसंद नहीं आई तो ओरिजिनल फिल्म देखिए। जी हाँ, ओके जानू इस फिल्म का रीमेक है, लेकिन रीमेक उतना अच्छा नहीं है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। स्टारिंग दुलकर सलमान, नित्या का मेनन। कहानी की बात करें तो दो लोग हैं जो मैरिज में विश्वास नहीं रखते और लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं, तो कैसे वो एंड में जाके मैरिज करते हैं ये इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म काफ़ी इमोशनल है, कई के जगहों पर आपको शॉक दे सकती है और कई जगहों पर आपको आंखों में आंसू भी ला सकती है, तो आप इसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। एक तमिल फिल्म है। दूसरी फिल्म है मजली। बस जाके देखिए गोल्ड माइल स्टेनी फिल्म्स पर, ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। इससे बढ़िया मैंने लव ट्रायंगल वाली फिल्म आज तक नहीं देखी। कोई कैसे इतना प्यार कर सकता है किसी से जो कि पूरी तरह नशे में डूब चुका है अपने पहले ब्रेकअप के बाद, उससे कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है ये हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सच में यार, इससे ज़्यादा सेंसिबल मैच्योर लव मैंने आज तक किसी फिल्म में नहीं देखा, और समंता के एक्टिंग के लिए तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। पहले नंबर पर है 96। इस फिल्म के बारे में मैं क्या कहूँ, या ये एक फिल्म नहीं है यार, एक एक्सपीरियंस है। अगर आपने कभी टीनेज में किसी से लव किया है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। हमें लगता है कि सच्चा प्यार सबको मिल जाता है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनकी एंडिंग हैप्पी नहीं हो सकती है। एक वार्म हार्ट के साथ आपको ये फिल्म छोड़ जाती है, एक यादगार एक्सपीरियंस के साथ। ये फिल्म किसी भी हालत में मिस मत करें ना, हो सके तो ओरिजिनल ही देखना, क्योंकि इसका हिंदी डब एकदम बेकार किया है एक ओल्ड मैन स्टेली फिल्म्स ने। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इनसे ज़्यादा बढ़िया फिल्में पता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार।